Hey folks, we can maybe now expect कि शायद अब लॉकडाउन खुल जाए और हमें थोड़ी सी आजादी मिले ऐसे बंदिशों भरे लाइफ से. नॉट टू फॉरगेट कि हम सभी ने अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा हार्डशिप, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया है. एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि इसी दौरान कई सारी स्वीट और छोटी छोटी ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थी और हम भूल गए थे और हम अब आत्मसात कर चुके हैं. सो हियर इज अ स्टोरी अबाउट अ गुजराती फैमिली जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया है जिन्होंने लॉकडाउन में और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. सो हियर यू गो. हेलो, कैसा चल रहा है आप सबका लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन कुछ अलग तरह का है जिसमें खूब सारी एक्टिविटीज है जिसमें मैंने अपने हस्बैंड को भी शामिल किया है, मेरी बेटी को भी शामिल किया है और मैं तो खुद हूँ ही इसमें. So today I'm making a Chinese slurry, vegetable slurry. I think you will like it to eat. The noodles is made, fried potatoes, a lot of vegetables, corn, bean, mushroom, capsicum, onion, garlic, ginger and chilies. And sausage will be poured in it. So let's start. गुजराती में ही बोल के बताती हूँ, गुंदा केरी नू अथाणू. इसमें ये दो चीज यूज होती है. गुंदा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं नहीं जानती, ये है कच्चे आम. बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट काफी लंबी है जिसे मैं शेयर नहीं कर सकती और बता भी नहीं पाऊंगी कि अभी इसको शॉर्ट में कैसे बताना है, कैसे बनाना है. इसके पीछे स्टोरी ये है कि ये स्टोरी मेरी दादी से रिलेटेड है और आज से 12 साल पहले मेरे यहाँ एक रिलेटिव आई थी जो मेरी दादी की छोटी भाभी है. उन्होंने इस अचार को खाकर कहा कि ये तो एग्जैक्टली मेरे मदर इन लॉ के हाथ का टेस्ट है, तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तो फिर मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि आपकी मदर इन लॉ मेरी दादी की मदर है ना, तो मेरी दादी ने अपनी मदर से सीखा और उसी रेसिपी, उसी स्वाद को मेरी मम्मी ने मेरी दादी से सीखा और उसी को मैंने अपनी मम्मी से सीखा. और जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि देखो, हम हमारी मदर इन लॉ के रहते हुए भी उस स्वाद को नहीं जान पाए और नहीं सीख पाए और तुमने उसे सीख लिया. वो इतनी खुश हुई और उस अचार को उस वक्त मुझसे मांग कर ले गई थी. मैंने उस बीच में कुछ साल तक इस अचार को नहीं बनाया था, अगेन मैंने इसे ट्राई किया है तो ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है आप सबके लिए ये अचार.